कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मसले पर मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस संबोधन का सबको इंतजार है। सबके मन में ये सवाल है कि मोदी लॉकडाउन को लेकर क्या ऐलान करते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, यानी भारत लॉकडाउन 4 में एंट्री कर सकता है। सोमवार को पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान भी ज्यादातर मुख्यमंत्रियों का यही मत था, कोरोना वायरस को हराने के लिए लॉकडाउन ही जरूरी है। हालांकि आर्थिक चुनौतियां भी चर्चा का बड़ा केंद्र है, क्योंकि राज्य सरकारें लगातार खजाना खाली होने की बात कर केंद्र से राहत पैकेज की डिमांड कर रही है। ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि लॉकडाउन 4 में ज्यादा छूट दी जा सकती है, क्योंकि सोमवार की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि जान के साथ जहान का भी सोचना होगा, लिहाजा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और ज्यादा छूट देकर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पीएम मोदी मजदूरों को लेकर भी अपनी राय रख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी मजदूरों की हालत को लेकर चिंतित हैं, लिहाजा आज के संबोधन में वो उनसे अपने स्थानों पर रहने की अपील भी कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी देश की जनता को ये भी जानकारी दे सकते हैं कि लॉकडाउन में रियायत के बावजूद बचाव का हर तरीका अपनाना होगा, क्योंकि कोरोना से बचने का यही एक जरिया है। पीएम मोदी का मत इस बात को लेकर भी बिल्कुल स्पष्ट है कि कोरोना से बचाव में 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन 25 मार्च से देश के लोग घरों में बंद है। ऐसे में पीएम मोदी जनता से कोरोना के साथ जीने और उसे हराने की अपील भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।